नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज फिर से हम लोगों ने एक रैली देखी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो अब अगर निफ्टी को आप देखोगे तो ये 50 डे का अगर मूविंग एवरेज जो है वो तो कब का पीछा छूट गया। निफ्टी ने अब देखिए 200 डेज का भी जो मूविंग एवरेज है उसके भी ये ऊपर आ गया है। तो अभी आप ये देखेंगे, ये ग्रीन लाइन जो है, ये जो ग्रीन लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर निफ्टी ने लास्ट टाइम क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को, फिर ये मंडे को देखिए ऊपर निकल चुका है। अब देखिए, कहीं ना कहीं निफ्टी ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा, मगर मुझे लगता है अभी नहीं। अभी क्या हो सकता है कि अब निफ्टी का जो आज का लो है यानी 11,470 के पास में, और जो हाई आप मान लो 11,695 यानी निफ्टी विल ट्राई टू कंसोलिडेट बिटवीन दीज टू लेवल्स 11,472 11,690। तो अभी निफ्टी के देखिए कल क्या लेवल हो सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल हो सकते हैं, साथ में दो आईटी स्टॉक्स इंफोसिस और टीसीएस की भी हम लोग लेवल्स देखेंगे। उसके पहले दोस्तों, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप वीडियो चैनल इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, इस समय मार्केट है काफ़ी वोलाटाइल, और वोलाटाइल मार्केट में आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी ट्रेड लेना है। पहली बात तो बड़ी क्वांटिटी में इंटर मत करो, ज़्यादा लॉट्स मत लो। लो तभी लो जब निफ्टी कहीं ना कहीं आपको आवरली रेंज में बिल्कुल नीचे आता दिखे। मैं आपको शो करता हूँ, देखिए अगर आप ये देखोगे डेली चार्ट है, चलिए आवरली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। आवरली चार्ट पे अगर आपने देखा निफ्टी ने यहाँ लो आकर के बनाया, फिर से एक बार लो बना दिया, तो तीसरी बार भी अगर यहाँ आता है तो आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा फायदा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और दोस्तों, आवरली चार्ट में ही आप देखो निफ्टी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहीं ना कहीं इस रेंज पे आके निफ्टी बार बार कंसोलिडेट करता रहा है 590 के आसपास में, ठीक है। तो अगर 590 या फिर आप अगर इसका मिनिमम ले लो ऑलमोस्ट 11,576। नाउ द पॉइंट इज, अगर कल निफ्टी, इन केस कल निफ्टी जो 11,576 है यानी 11,576 है, अगर कल निफ्टी 11,570 या आप 60 ले लो, ठीक है, सेफ चलने के लिए, अगर कल कहीं ना कहीं निफ्टी 11,560 और 570 के नीचे जाता है या उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर क्या हो सकता है कि निफ्टी यहां तक आ सकता है, यानी 11,400 तक निफ्टी आ सकता है, ठीक है। तो अभी कल का हम लोगों को मार्केट देखना है कि क्या निफ्टी जो है 11,600 ये जो इसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा जहाँ पे इसने बार बार आज कंसोलिडेट किया है, इसको थोड़ा और ऊपर ले चलेंगे। सो इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव, मे बी कल फिर से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, तो अगर 11,643 के ऊपर चले तो एक बार 11,700 पे हमें केयरफुल रहना रहेगा। तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, सो द रेजिस्टेंस इज 11,645 एंड 11,700। अब देखिए, ये अगर देखा जाए नॉर्मल डेज में तो ये ओके है रेजिस्टेंस, ठीक है। आज का जो हम लोगों ने निफ्टी का पूरा बिहेवियर देखा है आवरली चार्ट पर, कहीं ना कहीं ये इस रेंज पे 11,640-630 के पास में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर से वो नीचे आ जा रहा था। तो अगर कल निफ्टी इसके ऊपर चल जाए तो फिर अच्छा रहेगा, निफ्टी फिर से हमें 150 और 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा सकता है, मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा सकता है ईजिली। अगर निफ्टी इसके नीचे आ जाए, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करने लगे कल, यानी 11,570 के नीचे आ जाए या 80 के नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक बार हमें निफ्टी फिर 11,530 और 11,470 के भी लेवल दिखा सकता है नीचे की तरफ में। तो देखिए, अभी तक अगर आप देखोगे ऑप्शन डेटा भी देखोगे, निफ्टी जो है 11,500 पर अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी का, 11,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देन 11,400, ठीक है। तो अभी ये जो नीचे के सपोर्ट बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और निफ्टी मुझे नहीं लगता कि कल इसके नीचे आ सकता है। इस
दो दिन से जो आप पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हो वोलाटिलिटी प्लस निफ्टी का स्ट्रांग बुलिश बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निफ्टी हो सकता है कल ये 11,640 को तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मगर उसी के साथ में दोस्तों एक डिलेमा ये भी है कि हो सकता है कल निफ्टी 11,640 को अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है तो मुझे लगता है इसके लिए लेवल थोड़ा मजबूत पड़ेगा, 11,640 और 11,700 का हो सकता है इसके ऊपर कल ट्रेड ना करे। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, इवन ऑप्शन डेटा भी आपका इक्वली है, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस है उतना ही सपोर्ट में भी है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कल निफ्टी किधर को ज्यादा जा सकता है। मगर एक चीज मैं गारंटीज कह सकता हूं कि अगर कल निफ्टी 11,640 के ऊपर ओपन करता है प्लस 11,700 को ब्रेक कर देता है तो आपको नो डाउट बिल्कुल वहां से आपको 150 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इसका निफ्टी का आवरली चार्ट, सपोर्ट आपको बता दिया मैंने 11,530 पहला सपोर्ट है, फिर 11,470 दूसरा सपोर्ट है, उसके पहले निफ्टी के पास एक इमीडिएट सपोर्ट है जो कि 11,570 का है, जिसने बार बार देखिए यहाँ पर आकर के 2 बार रिवर्स किया, फिर ये मिनिमम पॉइंट अगर आप लेते हो तो 11,575 है, फॉर सेफ पॉइंट यू कैन मेक इट 11,570, तो यहाँ से आपको रिवर्स लेते दिखेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस का आप लोग कल जरूर ध्यान रखिएगा 11,643 का, अगर इसको ब्रेक कर दे तो हमें ऊपर की तरफ अच्छे चांस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी फिर से वही 30,000 आज क्रॉस हो गया फाइनली, जो कि मैंने फ्राइडे को बोला था कि चांसेस हैं 29,500 और 30,000 क्रॉस होने के, तो उस दिन 29,400 गया था फ्राइडे को, फ्राइडे को बैंक निफ्टी 29,400 गया क्रॉस किया, बट 29,500 क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने फिर से एक 1,500 पॉइंट के ऑलमोस्ट मूवमेंट कर दी है, 1,500 प्लस पे क्लोजिंग हुई है आज, इतना अच्छा गेन रहा है बैंक निफ्टी का। मगर अब देखिए बैंक निफ्टी ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 30,700, ये जो लाइन है 30,700 या 30,800 के पास में ऑलमोस्ट इसने रेजिस्टेंस लिया है। अब एक काम कीजिए, जब देखिए इतनी वोलाटिलिटी होती है तो हमको सेम डे पे आकर के आवरली चार्ट पे आपको देखोगे तो ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा, ठीक है, कि बैंक निफ्टी कहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर आप देखोगे हर बार बैंक निफ्टी ने 30,800 के पास या उसके नीचे ये रेजिस्टेंस लेकर के 30,744 पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता रहा है, और नीचे ये कहाँ सपोर्ट लेता रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम 30,400 पे, यानी कि 30,400 पे इसको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कल का सीन क्या रहेगा, कल अगर बैंक निफ्टी ये 30,780 के ऊपर अगर ये ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, तो हमें ऊपर की तरफ फिर 30,900, 30,800 और फिर 31,000 के लेवल देखने को आराम से मिलेंगे। अगर ये बैंक निफ्टी कल इसके नीचे दे दे, यानी नीचे कहाँ पर 30,400 के नीचे अगर देता है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेते दिखेगा 30,250 के पास में, ठीक है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 29,980 के पास में एक सपोर्ट लेते दिखेगा। तो देखिए छोटे छोटे सपोर्ट हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, 100-200 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट है वो मूवमेंट पूरा ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सीधे सीधे 1,000 प्लस जाता है, यानी 1,500 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट्स, तो अगर कल भी मार्केट वोलाटाइल रहने वाला है तो फिर आपको संभल के ट्रेड लेना होगा। तो ये तो था देखिए बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, अब एक बार हम लोग डेली चार्ट पे भी एक नजर डाल लें। अगर डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा, डेली चार्ट में आप देखोगे ये यहां की, देखिए हमेशा जो डेटा होता है, मैंने आपसे बहुत बहुत बार अपनी वीडियो एनालिसिस लाइव एनालिसिस करता हूं तो आपको भी वहां से पूरा अंदाजा मिलता है, आप भी सीखते हैं समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इस लाइन को थोड़ा और ऊपर लाएं, ठीक, अब देखिए यहाँ पर आकर के बैंक निफ्टी ने आज भी देखिए सपोर्ट यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके ऊपर नहीं गया नीचे आ गया, तो ये केवल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ दोस्तों लेवल्स होते हैं, और ये लेवल्स आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो खुद से, उसके पहले भी देखो एक डेली चार्ट में यहाँ पे हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, यानी ये देखिए कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ऑलमोस्ट 8 टाइम्स अगर आप देखोगे, पुराना डेटा देखोगे, तो बैंक निफ्टी कम से कम 8-9 बार, कहाँ तक, लास्ट जुलाई का मैं बात कर रहा हूँ, अभी देखिए सितंबर चल रहा है, तो जुलाई तक में अगर आप देखोगे तो 7-8 बार बैंक निफ्टी ये लेवल क्रॉस करने में इसने रेजिस्टेंस लिया था, 30,800 पे रेजिस्टेंस लिया था। इसीलिए आज फिर से देखिए बैंक निफ्टी ने वहीं पर आकर के रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप जो पुराना जो कैंडल होता है उसको देखें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस एक्चुअली बना हुआ है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने, सॉरी ये ट्रेंड लाइन मोस्ट आई थिंक इट वाज हियर ओनली, और लेट मी मेक इट फिट, जी हाँ, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर था जो मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि बैंक निफ्टी बार बार यहीं पर से ले रेजिस्टेंस ले रहा था, आज भी इसने क्रॉस नहीं किया, ठीक। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर ये कल क्रॉस कर देता है तो आप 30,900 फिर 31,250 तक, 31,250 में आप देखोगे थोड़ा हर्डल है, यहाँ तक के लेवल कल दिखा सकता है, और उसके ऊपर अगर टॉप मोस्ट अगर आप लेवल देखोगे तो 31,470 पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि 2 बार से मार्केट बहुत वोलाटाइल चल रही है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, और अगर आपको कॉल या पुट लेना भी है तो एक सही रेंज में आकर के लीजिएगा, यानी कि आप एक बार आवरली चार्ट में जरूर देखिएगा कि आवरली चार्ट में क्या मिनिमम है और क्या मैक्सिमम है। अगर मिनिमम पे अगर मान लीजिए आज के दिन की कैंडल है, मुझे अगर आज ये आवरली चार्ट, आज अगर मुझे इस पे कॉल या पुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए स्टार्टिंग में तो मैं मार्केट पे थोड़ा तुरंत पैसा नहीं लगा दूंगा, ठीक है, वेट करूंगा। जैसे पहली कैंडल मिली 1 आवर की, फिर दूसरी भी मुझे मिल गई, मुझे अब दूसरी से मुझे अंदाजा हो गया कि एक सपोर्ट जो बन गया इसका 30,000 का एक सपोर्ट बन गया है। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी बैंक निफ्टी यहाँ आता तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा इस बार यहीं से वो पलट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम बार बार देख रहे थे, फिर इसके बाद मैंने वेट किया, ठीक है। फिर अगर इसको मैं और अगर क्लियर देखना चाहता हूँ या मुझे बहुत जल्दी है तो मैं 30 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, फिर मैं वहां पे देखूंगा कि ये 2-3 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो फिर 4थी बार मैं 30 मिनट के चार्ट पे यहीं से ले लेता एंट्री। अदरवाइज और मुझे वेट करना होता तो मैं फिर इसका रेजिस्टेंस देखता हर बार। देखिए धोखा 30 मिनट पे भी आपको हो सकता था, आपने देखा एक बार, ठीक है, फिर 2-3-4 बार आपको यहाँ पे दिखता, फिर आप यहाँ से इंटर कर जाते, तो आप ये वाली जो रैली थी, ठीक है, यहाँ पे आप इंटर कर जाते तो यहाँ से आपको ये रैली आराम से दिख जाती, ठीक है। लेकिन अगर आप पुट लेते यहीं पर तो आपको नुकसान हो सकता था। तो उस केस में आपको थोड़ा मार्केट को, मोस्टली मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट का जो ट्रेडिंग टाइम होता है जहाँ पे पैसा अच्छे से एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो मोस्टली आपको 1 बजे के आसपास या 1 बजे के बाद ही मिलता है मार्केट में। तो 1 बजे के बाद आपको ठीक ठाक मूवमेंट वहां से मिल जाती है। तो जब मार्केट वोलाटाइल हो तो मोस्टली आप प्रिफर करो कि जब अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाए, या तो तब आप इंटर करो, या तो जब सपोर्ट पे जाए आवरली सपोर्ट पे तब आप इंटर करोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। चलिए टीसीएस का देख लेते हैं, इस समय आईटी स्टॉक्स बहुत डाउन जा रहे हैं। अब अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करोगे तो इस समय देखिए स्टॉकेस्टिक आरएसआई में आपको क्लियर दिख रहा है कि टीसीएस जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, किसी भी टाइम टीसीएस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट ले सकता है। तो आप इस पे नजर बना के चलिए, कहीं ना कहीं देखिए इसके जो लेवल्स हैं, लेवल्स में अगर आप देखोगे एक यहां पर भी ये बन रहा है, देखिए कई बार ये यहां से रिवर्स ले ले चुका है, तो आपको यहां से रिवर्स देखने को हो सकता है मिल जाए। अदरवाइज 2,000 के लेवल से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। अगर वर्स्ट केस में आईटी स्टॉक अभी और नीचे आएंगे तो देखिए एक लेवल है 1982 यानी 1982 का, और उसके बाद एक और जो लेवल है 1960 का है, तो यहां से तो आपको एक श्योर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट ओपन होते ही आप तुरंत एंट्री कर जाओ, अगर टीसीएस यहाँ से ऊपर जा रहा है तुरंत आप एंट्री कर जाओ, एक दिन की क्लोजिंग हम लोग रुकेंगे, वेट करेंगे एक दिन टीसीएस को क्लोज होने में। अगर ग्रीन कैंडल बनती है पर रिवर्सल ले लेता है तो दूसरे दिन या फिर उसी दिन के एंड में आप, यानी कि जब मार्केट 3:20 या 3:25 में होता है उस टाइम पे आप अपनी पोजिशन बना सकते हो लॉन्ग में, ठीक है। अब चलिए इन्फी की बात करते हैं। इन्फी भी ऑलमोस्ट देखिए अच्छा खासा गिर चुका है, ठीक है, ये अपने एक सपोर्ट जोन पर है। अब अगर ये सपोर्ट कल का मैं आपको बोलता हूँ वेट कीजिए,
अगर कल इन्फी इसके नीचे इस रेंज में आ जाए तो एक बार यहां तक हम लोग फिर एंट्री नहीं लेंगे लॉन्ग के लिए, तब बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर कल डाउन चलता ही चलता है तो फिर हमें एक पोजीशन ले सकते हैं डाउन साइड की, ठीक है। अगर कल सपोर्ट लेके निफ्टी इस रेंज में आता है यानी 770 के आसपास वो कहीं ना कहीं ट्रेड करता है और उसकी क्लोजिंग जो हो ग्रीन दिखे आपको, तो उस केस में आप 320 के बाद पोजीशन बना लीजिएगा। हो सकता है ऊपर आपको फिर से एक रिवर्सल दिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, एनआरजे फाइनेंस। इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए उतना तो चैनल पे एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, बट मैं एक दो स्टॉक ऑप्शंस कॉल और निफ्टी के अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं। मार्केट अगर वोलाटाइल रहे तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।